तो गाइस ये देखो, रोपिरो वाइस्टोन के न्यू अपडेट में यार फ्लाइंग रोडस्टर शॉप में आ चुकी है, और भाई साहब इसके ऊपर ना यार ये फ्लाइंग विंग्स भी लगे हुए हैं। तो मतलब अब ना गाइस हम लोगों को कोई जंप या ग्लिच करने की जरूरत नहीं है, अब तो न्यू अपडेट ही आ गया है। तो ये कैसे आया जाने के लिए देखते रहना इस धमाकेदार वीडियो को एंड तक। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं रोपिरो वाइस्टोन, और यार आज की जो वीडियो है वो होने वाली है बहुत ज़्यादा धमाकेदार और यार गाइस शानदार। तो भाई साहब जानने के लिए यार एक काम करो ना, आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आप लोगों के पास ना यार आज एक बहुत ही बड़ी ट्रिक आने वाली है, वो तो मुझे पता है, लेकिन गाइस अब यार बात ये है कि यार एक ट्रिक जो कि मुझे ना आज बताने वाला है टिप्सन, बस एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट ट्रिक जो कि गाइस रहेगी टिप्सन के और मेरे बीच में। लेकिन गाइस अब मैं ना आप लोगों से कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, जो ग्लिच जो भी चीज़ मुझे मिलती है रोपिरो वाइस्टोन में वो ना गाइस मैं आप लोगों को दिखा डालता हूँ। लेकिन गाइस इस बार ना यार टिप्सन ना थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, बोल रहा है कि रोपिरो ये जो चीज़ है ना ये मैं किसी को नहीं बताना चाहता, सिर्फ तुझे बताऊँगा। तो गाइस यार देखो, मैं तो कोशिश करूँगा कि अपना कैमरा ऑन रखूँ जिस टाइम मैं टिप्सन से बात करूँ, या तो फिर अगर गाइस उसने देख लिया कैमरा को तो भाई साहब मैं ना एक काम करूँगा, उससे ना वो ट्रिक सुनकर आप लोगों को बाद में बता दूंगा। तो अगर यार गाइस आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और है भाई साहब हाँ इस धमाकेदार वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई साहब यहाँ पर ना मैं आ चुका हूँ टिप्सन के पास, अभी मैं काम करता हूँ उसके घर के बाहर अपनी गाड़ी को पार्क कर लेता हूँ और अब फटाफट से ना इससे बात कर लेता हूँ। तो हेलो टिप्सन, हाँ बता भाई साहब तू मुझे वो सीक्रेट ट्रिक। यार रोपिरो तुझे मैंने मना किया था ना कैमरा से, तो एक काम कर पहले ही कैमरा बंद कर, उसके बाद मैं तुझे ट्रिक बताता हूँ। अबे यार टिप्सन, अच्छा एक मिनट रुक, मैं यार ये कैमरा बंद करके आता हूँ। तो यार गाइज यार यहाँ पर ना टिप्सन को पता चल गया था कि यार मैं ना कैमरा लगा कर खड़ा हूँ, तो अब गाइज कुछ नहीं कर सकते यार, मुझे ना कैमरा को बंद करना पड़ेगा। और अब यार एक काम करते हैं, जब गाइज मुझे बता डालेगा ना वो ट्रिक, तब फिर गाइज मैं ना आप लोगों से बाद में मिलता हूँ, ठीक है गाइज पहले से ट्रिक सुन लूँ मैं फिर आपसे बात करता हूँ। तो ओके यार गाइज यहाँ पर ना मैंने टिप्सन से बात कर लिया और इसने ना मुझे वो ट्रिक बता दिया है। पहले तो गाइज यहाँ से ना हम लोग फटाफट से निकलते हैं और फिर ना गाइज मैं आप लोगों से सारी की सारी ट्रिक डिस्कस करता हूँ। तो भाई साहब ये ट्रिक जो है यार रोडस्टर की, जिससे ना गाइज अपनी रोडस्टर करेगी फ्लाई। लेकिन गाइज इसके लिए अपने को यार एक खाली सी जगह चाहिए जहाँ पर ना हम लोग गाइज अपनी ये ट्रिक परफॉर्म कर पाएँ, जहाँ पर ना गाइज मतलब यार पुलिस का भी इतना वो ना हो और गाइज ज़्यादा पुलिस की भी ना दिक्कत ना हो। तो यार गाइस अब ऐसी जगह कहाँ से आए यार, पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि अब मैं किधर जाऊँ कहाँ पर जाऊँ। तो अब यार क्या करें, किस जगह पर जाएं जो कि खुली मैदान टाइप हो, जहाँ पर ना गाइस को ज़्यादा दिक्कत ना हो, सिर्फ रोड भी हो ना, तो गाइस रोड पर गाड़ियाँ गुजरती हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करें, कसिनो के अंदर रोड सर को ले जाएं? नहीं भाई साहब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो हाँ अरे भाई साहब ये रोड देखो ना, ये रोड तो वो रोड है जहाँ पर कोई गाड़ी गुजरती ही नहीं है, मतलब कि यार आज हम लोग आए होंगे इतने सालों में। तो यार गाइज यहाँ पर ना हम लोग फटाफट से अपनी रोडस्टर से उतर जाते हैं। तो गाइज यार इस ट्रिक के लिए ना अपने को रोडस्टर भी चाहिए और एक एयरक्राफ्ट चाहिए। तो गाइज ये ट्रिक ना इन दोनों से मिलकर फिर ही बनेगी। तो हम लोग ना यार अब क्या कर सकते हैं, यार एक काम करते हैं ना, पहले तो ना फटाफट से चल के अपनी रोडस्टर में बैठ जाते हैं और गाइज फिर ना एयरक्राफ्ट को ऑर्डर कर लेते हैं, और फिर बाकी की ट्रिक ना गाइज अब मैं आप लोगों को तभी परफॉर्म करके बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि गाइज अगर ऐसे मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में सब कुछ बताता रहूंगा ना तो फिर गाइज आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है? तो चलो भाई साहब हम लोग फटाफट से रोडस्टर में बैठ जाते हैं। तो अब चलो भाई साहब यहाँ पर रोडस्टर को पहले सीधा भी कर लेते हैं, अपनी रोडस्टर तो गाइज यहाँ पर सीधी खड़ी है। तो चलो एक काम करते हैं, जल्दी से चल लेते हैं शॉप में, रियल गैंगस्टर क्राइम का ऐड आ गया है, इसको ना गाइज हम लोग फटाफट से कट कर लेते हैं और यहाँ पर अब नीचे चलो और एयरक्राफ्ट को ऑर्डर डिलीवर कर दो। तो ये देखो भाई साहब यहाँ पर ना एयरक्राफ्ट आ गया है। अब भाई साहब यार ये ना उस रोड पर क्यों आया, यहीं पर आ जाता तो अच्छा था ना। तो अब चलो यार यहाँ पर अपनी रोडस्टर को इधर ही खड़े रहने दो। यार ये एयरक्राफ्ट का तो यार टायर ही पीछे पुलिस की गाड़ी में लगा हुआ है, और ये देखो ये जैसे ही मैं बैठा गाइस ये पुलिस मेरे पीछे लग गई, जैसे कि यार मैंने किसी पुलिस वाले को मारा हो। तो भाई साहब यहाँ पर भी रेड जोन में हम लोग हैं, तो अब रेड जोन से बाहर निकलो, जब तक गाइस ये पुलिस वाला यहाँ से जाता नहीं ना तब तक हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे इस पुलिस के एक स्टार के हटने का। तो गाइस स्टार तो ब्लिंकिंग कर रहा है, फटाफट से हट जाए। तो गाइस अब यार इस एयरक्राफ्ट को भी ना हम लोगों को सीधा करना पड़ेगा वैसे, क्योंकि गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि एयरक्राफ्ट फंस गया है। तो गाइस स्टार टूट गया पुलिस का। अब यार यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट टेढ़ा मेढ़ा होकर पड़ा हुआ है ना, इसको ना हम लोग कर लेते हैं फटाफट से सीधा।
तो ये देखो गाइज यहाँ पर ना एयरक्राफ्ट सीधा हो चुका है। अब चलो हम लोग ना एक काम करते हैं, फटाफट से लेकर चलते हैं एयरक्राफ्ट को यार यहाँ पर अपने अंदर वाले रोड पर। तो ये देखो भाई साहब यहाँ पर ना एक तो यार साला एयरक्राफ्ट को ना यार कंट्रोल करना भी ना यार बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है अंदर ही अंदर में। अब यार ये सीधा कैसे होगा, एक तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके ओके यार यहाँ पर ना ये देखो सीधा भी सही से नहीं हो पा रहा यार, यहाँ पर ठीक तो लग रहा है। ओके तो यार गाइज यहाँ पर ना एयरक्राफ्ट बिल्कुल सही से पार्क हो गया है, लेकिन यार गाइज ये चढ़ाई है ना ऊपर से ऊपर हाइट है, तो यार ये एयरक्राफ्ट का ना आगे वाला टायर ऊपर उठ गया है। तो अब ना गाइज हम लोगों को क्या करना है, ये जो अपनी रोडस्टर है ना इसको गाइज हम लोगों को एयरक्राफ्ट की छत पर लाना है, और फिर हम लोग गाइज जैसे ही एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करेंगे तो रोडस्टर की जो पावर है वो अटैच होगी एयरक्राफ्ट से, और गाइज जब हम लोग एयरक्राफ्ट को उड़ाएंगे तो रोडस्टर भी ना गाइज उसी के साथ हवा में उड़ेगी। तो चलो गाइज एरोस्टेट गन को निकाल लो। अब यार ये एरोस्टेट गन की गोली हम लोग मारे कहाँ पर, ओके ये फ्रंट ग्रिल पर मारते हैं। ओके तो गाइज यहाँ पर ना रोडस्टर यार ऊपर ना यार गुब्बारे से मतलब के ऊपर आ चुकी है, तो अब गाइज यहाँ पर ना बिल्कुल सही जगह पर मैं ना इसको ऊपर प्लान कर देता हूँ यार कहाँ से ना कहाँ पर फिर मुझे गोली मार के इसको नीचे गिराना है। अरे यार ये क्या हुआ, मैं एयरक्राफ्ट में अंदर क्यों बैठ गया, मुझे गाइस एयरक्राफ्ट में अंदर बैठना नहीं है रे। तो भाई साहब यहाँ पर ना अब हम लोग ना इस छड़ी को छोड़ देते हैं क्योंकि गाइस अपना काम हो गया। अब फटाफट से ना हम लोग यार इस एयरक्राफ्ट को ना एग्जैक्ट सीधा करेक्टली जो है ना गाइस इसी के ना ऊपर करवा देते हैं, और फिर ना गाइस आराम से यार हम लोग ना इसको लेकर यहाँ से निकल लेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर ये एग्जैक्ट बिल्कुल यार यहाँ पर लाना भी ना बहुत ही बड़ी मुश्किल है, बहुत ही बड़ी मतलब कि गाइस बंदा ना थक जाता है लेकिन ना काम नहीं हो पाता। तो भाई साहब यहाँ पर ना आप लोग देख पा रहे हो अब ठीक है, अब ठीक है। तो यार गाइस यहाँ पर ना अपना काम हो चुका है, अब फटाफट से यार देसी कट्टा निकालते हैं और ये बलून पे मारी गोली। और ये देखो गाइस जैसा टिप्सन ने बोला था वैसा ही हुआ यार, रोडस्टर एयरक्राफ्ट के ऊपर आ गई, लेकिन ऐसा नहीं होना था यार, जो फ्रंट टायर थे ना आगे के वो गाइस इस विंग के ना आगे आने थे ताकि गाइस यार ये गाड़ी ना उसमें फंस जाती, और गाइस जो यार वजन है ना मतलब कि गाइस जो वेट है वो बिल्कुल ना एक ही जगह पर रहता। अब भाई साहब सारा का सारा जोर ना पीछे आ गया है और आगे कुछ भी नहीं है, तो आगे का टायर खड़ा हो गया है और अब मुझे नहीं लगता कि भाई साहब ये एयरक्राफ्ट चलेगा, क्योंकि यार गाइस आगे का टायर तो संकट में आ गया ना, क्योंकि गाइस ये रोडस्टर का जितना भी वेट था वो पीछे चला गया, आगे तो कुछ है ही नहीं, चारों के चारों टायर ना गाइस पर के पीछे हैं आगे वाले के। तो गाइस अभी फ़ायदा नहीं रहा, मतलब क्या गाइस अपना ना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट गया, तो अब क्या करें। मैं तो गाइस यहाँ पर रिवर्स यार फॉरवर्ड करके भी बहुत तंग हो गया हूँ यार, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो चलो भाई काम करते ना, आई एम एन ट्रिक, मैं ना यार यहाँ पर लात मार के देखता हूँ शायद रोडस्टर आगे हो जाए। अरे यार ये क्या हुआ भाई साहब, इतनी मेहनत अपनी पानी में चली गई। तो गाइस खैर जो भी है, अब एक काम करते हैं, ये ट्रिक मेरे से जैसे होगी ना मैं आप लोगों से तभी मिलूँगा, ठीक है गाइस, तो बाय बाय। तो ओ क्या गाइस यहाँ पर ना यार आधा घंटा लगा मुझे ट्रिक परफॉर्म करते हुए, और गाइस फाइनली ना यार मैंने ना अपनी रोडस्टर को एयरक्राफ्ट बिठा के हवा में उड़ना शुरू कर दिया है। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनको बोलो कि वो भी सब्सक्राइब कर दें और वो भी शेयर कर दें, और गाइस पास ही के बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, और यार गाइस ऐसे आप लोग अपने भाई को सपोर्ट करते रहना यार मुझे, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना गाइस वो नीचे है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है गाइस फटाफट से अगर वहाँ पर भी फॉलो कर दो। और गाइस यार ये ट्रिक यार बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है जो कि टिप्सन किसी को बताना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन गाइस फिर भी मैंने आप लोगों को बताई, तो यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलो यार गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।